पहले एक टेक्निकल ट्रेड, जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है निफ्टी बैंक और निफ्टी में, क्या यह आगे जारी रहेगी? आज कारोबार बंद होते होते तेजी की पोजीशन ले जाना ठीक रहेगा या फिर खतरे से खाली है? नहीं, मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस ही बना के रखना चाहिए। हालांकि हम रेजिस्टेंस के बहुत नजदीक है, पर एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के अभी भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अगर सिर्फ सोमवार का व्यू है तो मेरा मानना है कि अभी के लिए स्टॉप लॉस एकदम नजदीक वाला 10,740 रहेगा, पर अगर आप एक दो हफ्ते के लिए मूव के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 10,700 के नीचे रहना चाहिए। एक इधर 10,700 के करीब एक अच्छा बेस बनता नजर आ रहा है, और जिस तरीके से हम पहले आधे घंटे के बाद कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहे इंट्राडे चार्ट्स पे, तो मेरा मानना है कि आज जाते जाते हम 10,780 10,790 तक जाते हुए हम देखने को मिल जाना चाहिए। जहां पे बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि इधर से अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी अच्छे कर रहे हैं। अभी आशीष जी भी बात कर रहे थे कि एक्सिस बैंक वगैरह काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इसके चलते बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस आपका 26,450 का रहना चाहिए, और टारगेट्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26,620 के लेवल्स। ठीक बात, टेक्निकल्स भी हाईलाइट कर रहे हैं क्या कि 10,700 नहीं तोड़ेंगे एटलीस्ट एक्सपायरी तक, इस बात का कन्विक्शन दे सकते हो सर क्या आप? हाँ, ऐसा लग रहा है जो डेरिवेटिव डेटा उभर के आ रहा है, नीचे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिल रही है, और आज स्पेसिफिकली बहुत अच्छी पुट राइटिंग 10,700 के लेवल्स पे देखने 10,700 के स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिली है, तो ये एक सपोर्ट उभर के आ रहा है। और उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो 10,800 के लेवल पे कॉल राइटिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से हम एक छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। जिस लेवल को हम क्रॉस करेंगे उस लेवल पे आपको काफी अच्छी अपमूव या डाउन मूव देखने को मिलेगी, तो ये मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे 10,700 10,800। पहले तो चार्ट पे कॉल देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फंडामेंटल डिस्कशन करेंगे इस पे। आशीष जी, स्टॉक का नाम नहीं सुना? IDBI बैंक, ऊपरी से ठंडा पड़ गया है सर कुछ? IDBI बैंक बेस तो बहुत अच्छा है, आज बहुत स्पेकुलेटिव बाइंग शायद हो चुकी है, इसके वजह से थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, पर इस स्टॉक में जो बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल, जो कि करीबन 57 के लेवल्स है। 57 लेवल्स मुझे नहीं लगता टूट जाने चाहिए, तो मेरा मानना है कि इसके नीचे वाले स्टॉप लॉसेस रख के आपको बाय ही करके चलना चाहिए। इवेंचुअली ये स्टॉक 66-68 के लेवल्स आपको टेस्ट होते नजर आएंगे, पर इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। है तो ये डिसअपॉइंटमेंट है ना? बताइए अगला लेवल क्या रहेगा? हाईस पर, डेज हाई पर एक बार फिर ट्रेड कर रहा है काउंटर। अच्छा जी, हर दो दिन के बाद ये हम यही बात करते हैं कि एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, इसमें लॉन्ग पोजीशंस ही रखने चाहिए। अभी अगर कोई बाय करता है तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा, क्योंकि एक वर्टिकल रैली हमने पिछले 15 मिनट में देखी है, 22.85 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा मानना है कि ये पोजिशनल व्यू के हिसाब से रखना ही चाहिए आपको। पैर में एक अपडेट आ रहा है किरण, ये मेयर नर्वसनेस है या लग रहा है पिटाई की तैयारी हो रही है? नहीं, पिटाई की तैयारी नहीं हो रही है ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि ये सिर्फ आज का जो कल का जो पुलबैक है उसका रिट्रेसमेंट है, और वैसे भी ये स्टॉक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है, 305 ऑन द लोअर साइड, 318-319 ऑन द हायर साइड, तो ये दोनों लेवल्स अब आपको मेक और ब्रेक लेवल्स है। मेरा मानना है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी आज या कल शायद सोमवार को आपको 318 के लेवल्स के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, उसके बाद एक फ्रेश टेक्निकल बाय आ जाएगा जिसका टारगेट करीबन 342 के करीब रहेगा। तो ठीक, कॉल होगा आप इस पे, श्रीकांत आप भी व्यू दीजिएगा अपना, लेकिन किरण कुछ ट्रेड बनाऊं क्या? HDFC बैंक बाय करके ही चलना चाहिए, जिस तरीके का बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है और HDFC बैंक है वो हैंड इन ग्लव चल रहा है, और मेरा मानना है कि HDFC बैंक में काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला पूरे दिन भर, और अभी एक अच्छी मूव आ रही है। मेरा स्टॉप लॉस 2055 के करीब रहेगा, 10 रुपए नीचे, और टारगेट्स के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सोमवार तक आपको 2100 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे। 2100 का टारगेट? फुटबॉल देख रहे हो आजकल आप क्या, वर्ल्ड कप? बिल्कुल, हर मैच देख रहे हैं। हाँ, तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल, कंजम्पशन बढ़ रहा है, और मेरा मानना है कि मुझे कंजम्पशन नहीं, बोलिए मुझे बताया गया जुबिलेंट फूडवर्क्स पे आपके पास कोई स्ट्रेटजी भी है सर? बिल्कुल, ऑप्शन की स्ट्रेटजी है, और जुबिलेंट फूडवर्क्स में मेरा मानना है कि बाय करके चलना चाहिए, कॉल ऑप्शन
जो कि 1400 का कॉल ऑप्शन है, जो कि 17-19 रुपए के करीब मिल रहा है। स्टॉप लॉस 14 रुपए का रहेगा और कैश टारगेट मेरा मंगलवार तक 1420 का है, तो इस लिहाज से मिनिमम कॉल ऑप्शन जो बढ़ता नजर आएगा वो करीबन 40 रुपए का, तो अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी रहेंगे इस जुबिलेंट फुटवर्क से। ठीक है, था 26,620-640 का किरण, उसके ऊपर 26,700 के लेवल, ये टारगेट आप रिवाइज कीजिए, हमें बताइए नया टारगेट क्या होगा। बागले साहब, इन द मीनवाइल आपकी स्ट्रेटजी बताइए, निफ्टी बैंक अब खरीदेंगे? मेरा मानना है कि इधर आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाना चाहिए, 26,625 का रहेगा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और टारगेट्स के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 26,800 के लेवल से। सर आपके कॉल्स क्या है आज के? हाँ जी, मेरा पहला कॉल रहेगा गॉडफ्रे फिलिप्स, ये बाय करके चलना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगर हम पिछले 6 महीने का वॉल्यूम्स डेटा देखते हैं तो उसके करीबन 4 टाइम्स 5 टाइम्स वॉल्यूम्स आज हो चुके हैं। डेरिवेटिव डेटा काफी स्ट्रांग है, इधर भी एक बहुत अच्छी पैटर्न देखने को मिल रही है, और कुल मिला के इसका टारगेट जो कि मंडे को देखने को मिल जाना चाहिए वो है 789 से 795, और इस ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस 760 का रहेगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है। दूसरा रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, नीचे से एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि जो हमने करेक्शन देखी थी वो खत्म हो गई और एक अच्छी नई मूव आ रही है, तो सोमवार के लिए मेरे टारगेट्स 916 के देखने को मिल जाने चाहिए, 895 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए तो हैं तो बताएं अडानी ट्रांसमिशंस, अडानी ट्रांसमिशन चार्ट तो अच्छा देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का पैटर्न है मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है आती है 174, तो इधर से और 10 रुपए मूव सोमवार को देखने को मिल जानी चाहिए, और अभी अगर कोई लॉन्ग करता है तो 160 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 3.5 रुपए का रिस्क और 10 रुपए का रिवॉर्ड। अच्छा, ट्रेड ले रहे हैं क्या, एनटीपीसी खरीदेंगे? हाँ, बट टारगेट बहुत ज्यादा नहीं है, मेरा मानना है कि 160 रुपीज 50 पैसे के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने चाहिए, 156 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, इंडिया बुल हाउसिंग हमने जब चर्चा की थी तब स्टॉक नीचे था, आपसे स्पेसिफिकली पूछा था क्या 1200 छुएगा, 1200 पर आ चुका है, अगर इन लेवल्स पर क्लोज होता है तो क्या सोमवार को और तेजी आ सकती है, क्या आप कैरी करना चाहेंगे या फिर इस समय आज के आज जो प्रॉफिट मिला है वो काट लें घर ले जाएं? नहीं, जिस तरीके से आज की क्लोजिंग हो रही है मेरा मानना है कि इधर से और 50-75 पॉइंट की रैली आपको सोमवार मंगलवार को देखने को मिल जानी चाहिए, उस लिहाज से मेरा मानना है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए, इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। इधर एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो 1200-1203 तक जो है वो एक बार क्रॉस कर लेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आती है डायरेक्टली 1225 के करीब, तो और करीबन 20-25 रुपए बाकी है, तो मेरा मानना है कि होल्ड करके ही चलना चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 1190 पे रखूंगा। अच्छा, आज एक्सपायरी कहाँ एक्सपायर कर रहे हो? मेरा भी मानना है जिस तरीके से अभी बैंक निफ्टी का मेरा टारगेट अचीव हो गया 26,800 का, तो वो उन लेवल्स पे क्लोजिंग आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 4 दिन बाकी है, तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, तो बैंक निफ्टी आगे चलते देखने को मिलेगा, तो मेरा मानना है कि 10,900 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। अभी आज दिन भर के जो डेरिवेटिव डेटा है आज शाम को एनालाइज करेंगे, आशीष जी आप हम और आप सवेरे 7 बजे सोमवार को मिलते ही है मॉर्निंग कॉल पे, तब बात करेंगे एक्सपायरी की। बिल्कुल ठीक, तो किरण कोई ट्रेड 1302 पर या फिर टाइटन बेटर है, एलएनटी या टाइटन क्या लेंगे बताइए? नहीं, एलएनटी में दोनों ही अच्छे हैं, पर एलएनटी मेरा मानना है कि सपोर्ट को टेस्ट किया है और उधर से वापस बाउंस बैक देखने मिल रहा है, तो अगर अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 1325 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, और टाइटन की बात करें तो उधर टाइटन में भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी बाउंस बैक आ गई है, पिछला भी स्विंग बॉटम था 9858 के करीब ही था, अभी भी 850-860 लेवल से ही बाउंस बैक हुआ है, तो इधर भी टारगेट्स 894 के देखने को मिल जाने चाहिए।